अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है कि 3 रुपए की माचिस में 50 तीलियां हैं, 1 किलो चावल में इतने दाने हैं। क्या आपको पता है कि कुरान पाक में 30 पारे और 114 सूरतें हैं? हाँ, इस बारे में तो सबको पता होगा। क्या आपको पता है कि कुरान पाक में 357 बार लफ्ज अल्लाह का आया है? क्या आपको पता है कि कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक मोहम्मद 4 बार और अहमद 1 बार आया है? क्या आपको पता है कि कुरान पाक में कुल 26 अंबिया कराम का नाम आया है और इसमें सिर्फ एक ही औरत का नाम आया है, हजरत मरियम? क्या आपको पता है कि कुरान पाक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 बार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आए? सो गाइस, आप फारग बैठकर कुरानी तालीमात हासिल करें, ना के माचिस की तीलियां गिने और झाड़ू की तीलियां गिने। जब भी लाइफ में कोई परेशानी आए तो घबराइए मत, बीबी की तरफ देखिए, फिर ध्यान से सोचिए क्या परेशानी इससे बड़ी है। मैं चिराग रगड़िया तो दे विचों चैन निकलिया, कहता हुक्म मेरे आका। मैं उन्हें क्या जमीन तो लेके चंद तक सड़क बना दे, ओमनु कहता बहुत मुश्किल काम है आका, ऐ नहीं हो सकता। मैं फिर उन्हें क्या मेरी बुढ़ी नु अकलमंद बना दे। 2 मिनट सोची पिया रहा, सोच सोच के फिर मनु कहता सड़क सिंगल बनानी है कि डबल? भाई 200 के हैं। अरे 200 के हैं, अबे चौड़ा हो रहा है, 200 के मांगे हैं तुझसे। यार भाई वो सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकता तो बोल तो सकता है ना। हेलो सुसर जी, आपकी बेटी में तो दिमाग नाम की कोई चीज ही नहीं है। बेटा जी दिमाग की तो बात हुई नहीं थी, आपने तो बेटी का हाथ मांगा था।